Hello everyone. Hi, this is Deepak here. Welcome to all of you guys. I know that this has been a very long period of time that I have not uploaded any video. So I'm trying my level best to give you the best possible video to all of you. I've started a series for 1000 questions. So now I'm quite sure that I've set the timing for my videos. So I'll be sharing 3 videos in a week for sure. Okay, and that's a promise to all of you. Okay, and we'll keep the video length between 10 to 15 minutes and let's start working on that. We already discussed 60 questions in the last 2 videos. और आज हम शुरू करेंगे गाइस 61 से लेके और 80 नंबर तक, है ना। और जल्दी से हम लोग शुरू कर लेते हैं। पहला टाइप देखिए क्वेश्चन क्या आ रहा है, जो टीजीटी 2018 में आया था, वो पूछ रहे हैं देयर वाज अ टाइम व्हेन आई कुड लाइक लिफ्ट 250 lbs। ये लिफ्ट है, ठीक है, ये लिफ्ट है, ये ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा स्पीड से करेंगे गाइस। इसमें हमें ये देखना है नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और नन ऑफ द अबव। ये वाला जो क्लॉज है हमारा, ये हमारा सबॉर्डिनेट क्लॉज है और ये उसके तीनों टाइप है। सबॉर्डिनेट क्लॉज के ये तीनों टाइप है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं देयर वाज अ टाइम व्हेन आई कुड लिफ्ट, कब मैं लिफ्ट कर सकता था, वो टाइम, तो यानी ये टाइम की बात कर रहा है। टाइम हमारा क्या है, नाउन है। तो नाउन की अगर कोई बात करेगा तो वो कौन सा क्लॉज हो जाएगा, वो हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज, राइट। वो कौन सा क्लॉज हो जाएगा दोस्तों, एडजेक्टिव। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी फॉर बॉम्बे। तो ये क्या था दोस्तों, ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ चलते हैं। जॉन डिसलाइक सिटिंग ऑन द रूफ और ही ऑलवेज गेट्स अ हेडेक। अब देखिए यहाँ पर एक जो है ये अपना एक प्रिंसिपल क्लॉज है। सेमी कॉलन से जुड़ने पर भी अगला क्लॉज प्रिंसिपल होता है, तो इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास दो प्रिंसिपल क्लॉजेस हैं और दो प्रिंसिपल क्लॉजेस कहाँ जाते हैं गाइस, कंपाउंड सेंटेंस की तरफ, ये ध्यान रखना। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए, क्या कंपाउंड क्या कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। इस पर भी मैं एक लेंथी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये ध्यान रखिएगा, दो प्रिंसिपल क्लॉजेस है तो ये कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। फाइंड द इनकरेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे हमें इनकरेक्ट सेंटेंस देखना है गाइस, और ये आपका DSSSB में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले देखिए जॉन डिक्लाइंड द इनविटेशन, यानी जॉन ने इनविटेशन को मना कर दिया, ये बिल्कुल परफेक्ट है। द वर्क कंसिस्टेड ऑफ 2 वॉल्यूम्स, मुझे ये भी ठीक लग रहा है। लेकिन दोस्तों जब मैनी के बाद अगर ए आ जाए तो आगे का नाउन सिंगुलर होता है, MAN लगाइए, और आगे की वर्ब भी सिंगुलर होती है, यानी वर्ब में एस या ES लगना इंग्लिश में क्या माना जाता है दोस्तों, सिंगुलर माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। वर्ब में एस या ES लगना इंग्लिश में क्या माना जाता है दोस्तों, सिंगुलर। तो ये बोला जाएगा मैनी अ मैन रन्स, ठीक है। ये पूरा सेंटेंस क्या होगा, मैनी अ मैन, यहाँ पे M कर दीजिए AN और यहाँ पर क्या कर दीजिए, रन्स। तो ये वाला सेंटेंस हमारा गलत था, ये वाला सेंटेंस भी ओके है, राइट। तो हमारा जो एक्चुअल आंसर यहां पे बनेगा दैट वुड बी सी फॉर कैट, हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, सी फॉर कैट। चलिए फाइंड द इनकरेक्ट सेंटेंस अगेन। एक चीज याद रखना, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब से पहले हमारे सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे कि आई, है ना, वी। वर्ब के बाद हमारे ऑब्जेक्ट्स आते हैं जैसे कि मी और अस। तो यहाँ पर वो बोल रहा है ही हैज गिवन, यहाँ वर्ब आ चुकी है तो यहाँ पे मी आना ये सही है। कई बार लोग इसको आई कर देते हैं जो कि गलत होगा, राइट। तो ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। और लेट जो है गाइज यहाँ पे एक वर्ब के रोल में है, लेट जो है यहाँ पे एक वर्ब के रोल में है, उसके बाद मी आएगा, उसके बाद आई नहीं आ सकता, राइट। उसके बाद आई नहीं आ सकता, उसके बाद क्या आएगा, मी। लेट यू एंड मी डू इट, राइट। यू तो देखिए सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। लेट के बाद आया तो ये ऑब्जेक्ट ही मान के चलो, और यहाँ पर इसको मी कर दो। तो ये हमें एक सेंटेंस जो है गलत मिल गया है, ठीक, ये सेंटेंस हमें यहाँ पे गलत मिल गया है। अब देखो यहाँ पर बिटवीन है, बिटवीन एक प्रेपोजिशन है, इसके बाद भी ऑब्जेक्ट आते हैं और एवरी सिंगुलर है, तो यहाँ पे हिज आना सही है। ये सारे सेंटेंसेस हमारे सही है, बस यहाँ पर इसको क्या कर दीजिए दोस्तों, मी कर दीजिए, ये बहुत सिंपल तरीके से निकल आएगा। तो ये भी जो है आपका क्या है, अभी मैं बोलूं तो DSSSB में आया हुआ क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिए।
चलिए ट्रांजिटिव वर्ब के लिए मैं बार बार बता चुका हूं, एक ऑब्जेक्ट होने की जरूरत है ना। ट्रांजिटिव होने के लिए ऑब्जेक्ट होने की जरूरत है, और सबसे बड़ी बात है अगर ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो उसका पैसिव वॉइस बन जाता है ना। अगर मानिए कुछ भी आपको नहीं पता है तो अगर उसका पैसिव वॉइस बन जाता है और वर्ब के होने का इंपैक्ट आगे पड़ता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी, ये ध्यान रखना। टेल द ट्रूथ का पैसिव वॉइस बन सकता है लेट द ट्रूथ बी टोल्ड। टेल द ट्रूथ का क्या बन सकता है पैसिव वॉइस, लेट द ट्रूथ बी टोल्ड। बाकी किसी का भी आप ट्राई करेंगे तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट का कोई पैसिव वॉइस नहीं है, ही यू स्पोक टू लाउडली का कोई नहीं है, द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर का कोई पैसिव वॉइस नहीं है, बट टेल द ट्रूथ का पैसिव वॉइस बन सकता है। तो इसका मतलब हमारी ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है, डी फॉर डेली। हमारी ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है दोस्तों, डी फॉर डेली। चलिए नेक्स्ट वन आइए दोस्तों, ये भी आपका क्या कहते हैं डी ट्रिपल एस बी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्रैब वाइज जो है वो बात कर रहा है क्रॉल की, है ना। वो क्रैब वाइज मतलब वो यार वो क्रैब नहीं होते, केकड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसकी तरह रेंग रहा था। क्रॉल मतलब रेंगना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्ब की बात कर रहा है, और अगर ये वर्ब की बात कर रहा है तो ये क्या है दोस्तों, एडवर्ब है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 66 में, एडवर्ब। चलिए ईच अदर जो है गाइस वो हमारे कैसे प्रोनाउन है, ईच अदर और वन अनदर, ये हमारे कैसे प्रोनाउन है गाइस, ये हमारे हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, क्योंकि ये आपस में और परस्पर की बात करते हैं, म्यूचुअल की बात करते हैं, म्यूचुअल या परस्पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपस में क्या है, रेसिप्रोकेशन कर रहे हैं, अदला बदली करते हैं। तो यहां पर ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। इनडेफिनेट हो गए गाइस, समवन एवरीवन टाइप में जो होते हैं वो हमारे इनडेफिनेट होते हैं। डिस्ट्रीब्यूट हो गए ईदर नीदर, है ना, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और आपका डिमोन्स्ट्रेटिव हो गए दिस दैट दीज दोस, है ना, दिस दैट दीज दोस, ये डिमोन्स्ट्रेटिव हो गए। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ओके चलिए आ जाइए, माई प्रेजेंट जॉब इजंट वंडरफुल बट आई प्रेफर इट। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपके आए हुए, सारे प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ यार, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको प्रीवियस ईयर में ना दिखाई दिया हो। प्रेफर के साथ जब भी आपके पास सीनियर जूनियर जैसे वर्ड आ जाए, सीनियर जूनियर इंफीरियर सुपीरियर, अगर ऐसे वर्ड आ जाए आपके पास, मतलब जिसमें लास्ट में आई ओ आर दिया हो, है ना, या फिर प्रेफर आ जाए, या फिर आपके पास आ जाए प्रेफरेबल, है ना, या फिर आपके पास आ जाए प्रायर, अगर ऐसे वर्ड कभी भी आ जाए गाइज, इनके साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन है टू, आई प्रेफर दिस टू दैट, है ना। तो प्रेफर के साथ इनका एक फिक्स प्रेपोजिशन है टू। आजकल कई जगह ओवर भी यूज कर रहे हैं, बट फिर भी ज्यादातर ध्यान रखिएगा प्रेफर, सीनियर जूनियर, इन सबके साथ टू आता है, ये ध्यान रखिए। चलिए हु इज फॉन्ड ऑफ लग्जरी, अच्छा स्क्वांडरर तो होते हैं गाइस जो वेस्ट करते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ ना, डू नॉट स्क्वांडर योर टाइम, टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग ऑन द प्लैनेट एंड वंस लॉस्ट कैन नॉट बी रीगेन्ड। टाइम एक ऐसी चीज है गाइस जिसको आप दोबारा नहीं ला सकते, मनी लूज हो जाए दोबारा कमाई जा सकती है, है ना, और सब चीज वापस आ सकती है, बट अ टाइम वंस लॉस्ट कैन नॉट बी रीगेन्ड। सो डू नॉट बिकम अ स्क्वांडरर एंड डू नॉट स्क्वांडर योर टाइम, जो वेस्ट करते हैं। प्रोफ्लीगेट भी होते हैं गाइज, जो बहुत लैविश लाइफ जीते हैं, जो अपनी लाइफ में बहुत पैसा उड़ाते हैं। और स्पेंडथ्रिफ्ट भी वही होते हैं गाइज, जिनको हम एक्स्ट्रावेगेंट भी बोलते हैं, है ना, एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल, यानी एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल मतलब पांच पांच छह छह गाड़ियां घर में है, है ना, और अपना एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल चल रहा है। और एपिक्योरियन होते हैं गाइज, जो लग्जरी फूड के एक्सपर्ट होते हैं या लग्जरी फूड को एंजॉय करते हैं, मतलब जो दे आर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स दी यू नो एपिक्योरियन टेस्ट, जो फाइव स्टार्स में जाते हैं, सेवन स्टार्स में जाते हैं, हाई क्लब हाई सोसाइटी क्लब्स में रहते हैं, बहुत एलीट क्लास टाइप में रहते हैं, तो उनको हम एपिक्योरियन टेस्ट बोलते हैं। तो हमारा ये जो आंसर है वो क्या है, डी फॉर डेली। चलिए ये भी मैं बहुत बार देख चुके हैं गाइज, अ पोस्ट विदाउट रेम्यूनरेशन। देखिए एक एक पोस्ट है ऑनररी, जैसे अगर मैं बोलूं ऑनररी सर्विस,
ऑनररी सर्विस का मतलब है गाइस वर्क विदाउट पे, यानी यहां पर आपसे काम तो करवा लिया जाएगा बट आपको पे नहीं दी जाएगी। जैसे किसी भी आप मानिए ऑनररी डायरेक्टर बन गए, ऑनररी चेयरमैन बन गए, तो यानी आप डायरेक्टर और चेयरमैन तो है बट आप उसके यू आर नॉट सपोज टू गेट एनी काइंड ऑफ पेमेंट, ठीक। और सिनेक्योर वो जॉब होती है गाइस जिसमें आपको लेस वर्क है और हाई पेमेंट है, यानी यहाँ पर तो बड़े मजे वाली जॉब है, लेस वर्क विद वेरी हाई पेमेंट, यानी जहां पर आपको काम ना करना पड़े और पेमेंट बहुत अच्छी मिले। और ओम्बड्समैन होता है गाइस लोकपाल, है ना। ओम्बड्समैन क्या होता है? लोकपाल। लोकपाल वो बंदा होता है गाइस विच इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु कैन टेक द एक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट। अन्ना हजारे ने इसके खिलाफ आंदोलन भी चलाया था कि लोकपाल की नियुक्ति की जाए, है ना, और लोकपाल जो है सारे करप्शन पे नजर रखे। 2011 में अन्ना हजारे ब्लेज्ड अ ट्रेल अगेंस्ट दी करप्शन विच वाज देयर प्रेवलेंट इन द लाइक दी गवर्नमेंट। तो एक लोकपाल की डिमांड की गई थी जो मेरे ख्याल से अभी तक पूरी नहीं। यहाँ पे जो है ऑनररी आएगा आंसर। अ पोस्ट विदाउट रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मतलब होता है पारितोषिक या पेमेंट, ठीक है। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? पेमेंट। चलिए हमने 10 क्वेश्चन कर लिए, आज ये 10 और देखते हैं जल्दी से। चूज दी रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड। एमिनिशन हथियार होता है, ये बिल्कुल ठीक है। हैजार्डस नुकसानदेह होता है, विच इज नॉक्सियस, है ना, दिस इज हैजार्डस टू योर हेल्थ। क्वेल का मतलब होता है, इसको ऐसे याद कर दो, प्रोटेस्ट क्वेल कर दिया, प्रोटेस्ट को क्वेल कर दिया यानी कुचल दिया, है ना, प्रोटेस्ट को क्वेल करना मतलब कुचल दिया। और फेलोनियस जो होता है गाइस उसका मतलब होता है क्रिमिनल, और उसकी स्पेलिंग है FEL, ये ए जो है ये ई है। फेलनी का मतलब होता है ग्रेव क्राइम, जैसे कोई मर्डर हो गया तो मर्डर इज अ फेलनी, मर्डर इज अ फेलनी यानी एक तरीके से बहुत ग्रेव क्राइम, बहुत ही मतलब भयानक क्राइम। फेलोनियस एक क्रिमिनल के लिए बोलते हैं, फेलोनियस मतलब जो फेलनी करता है यानी क्रिमिनल, राइट। तो यहाँ पे जो रॉन्ग स्पेलिंग है वो है बी फॉर बॉम्बे। चलिए यहाँ पे देखिए एक्सेंचुएट स्पेलिंग ठीक है। स्ट्रिंजेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, स्ट्रिंजेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये भी ठीक है गाइस, ठीक है। स्ट्रिंजेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस का मतलब बड़े टफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। कॉनेसर की स्पेलिंग जो है गाइस वो गलत है। कॉनेसर की स्पेलिंग है, जैसे यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, CONNISUR, ये कॉनेसर। कॉनेसर होते हैं एक्सपर्ट, किसी भी चीज के एक्सपर्ट को हम कॉनेसर बोलते हैं। और प्रेरोगेटिव बहुत अच्छा वर्ड है यार, प्रेरोगेटिव को अगर आप देखेंगे उसका मतलब होता है अधिकार। इट इज माय प्रेरोगेटिव व्हाट आई एम सपोज टू डू इन माय लाइफ, ये मेरा अपना अधिकार है कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूं, ये मेरा प्रेरोगेटिव है। प्रेरोगेटिव मतलब जो आपका बेरोक टोक अधिकार है जिस पर आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इट्स अ प्राइम मिनिस्टर प्रेरोगेटिव टू अपॉइंट पीपल इन कैबिनेट। जैसे आपको ध्यान होगा एस जयशंकर जी को क्या बनाया गया? विदेश मंत्री बनाया गया, राइट। एस जयशंकर का रिकॉर्ड पॉलिटिक्स का नहीं था, वो हमारे एम्बेसडर थे, बहुत बहुत ही रेनाउंड बंदे थे। तो प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव था किसी को भी पिक करे और किसी को भी कोई भी पोस्ट दे सकते, कोई उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आपने जयशंकर को क्यों बनाया। ओके गाइस, ये ध्यान रखिए। तो हमारा जो स्पेलिंग गलत है वो ये वाला है, कॉनेसर। चलिए, ही सेड टू हिम इज योर नेम अहमद। देखो पहले तो यहां पर देख लीजिए ये इंटरोगेटिव है, और जब ये इंटरोगेटिव होता है तो आपका सेड टू जो चेंज होता है वो आस्ट में चेंज होता है, ठीक है। जब इंटरोगेटिव है तो आपका सेड टू जो चेंज होता है वो आस्ट में चेंज होता है। तो पहले यहां पर देख लीजिए ही सेड टू हिम, तो ही आस्ट हिम, अब इन्वर्टेड कॉमास हटकर इफ आएगा, तो ही आस्ट के बाद इफ तो है नहीं, ठीक है ना। और देखिए एक चीज और ध्यान रखना, जब सेड टू है तो आगे आपका इज जो है वो वॉज में चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं मानो इसको लेता हूं आस्ट मानते हुए, लेकिन यहां पर तो उसने इज ही रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब इंक्वायर्ड से ही हमें काम चलाना पड़ेगा, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे नॉट है, तो यहाँ पर मेरे को लगता है इफ लगाएंगे, हिज नेम वॉज नॉट अहमद, इज नॉट तो हम लगा नहीं सकते, ये ध्यान रखना। तो हमारा सी वाला आंसर जो है वो परफेक्ट है, हमारा जो सी आंसर है गाइस इसमें वो बिल्कुल परफेक्ट है।
चलिए अब देखिए यहाँ पे ही सेड है और ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव वो सेंटेंस होते हैं गाइस जो स्टेटमेंट वाले सेंटेंस होते हैं, और असर्टिव जो स्टेटमेंट सेंटेंस होते हैं अगर खाली सेड है तो फिर वो सेड का सेड ही रहता है। अगर खाली सेड है तो वो सेड का सेड रहेगा, तो ही सेड का सेड रहेगा। सेड आ गया, सेड आ गया, सेड दैट तक भी ठीक है ना, यहाँ पे दैट नहीं है, इसको काट दीजिए, ये दैट ठीक है। आई जो है ठीक है, पर्सन है, यहाँ पे पर्सन आपको इसलिए देखना सब में ही है तो ही के आगे चल सकते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना गाइस, ही के साथ शैल नहीं आता, ही के साथ क्या आता है, विल आता है, और यहाँ पे पास था तो विल का हम पास लगाएंगे वुड, विल का पास लगाएंगे वुड। तो यहाँ पे शुड वाला लाइन और यहाँ पे कुड तो आ ही नहीं सकता, तो हमारे को यहाँ पर बनाना पड़ेगा वुड गो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर आई होता तो मैं शुड लगा देता, क्योंकि शेल का पास्ट बना सकते हैं हम शुड, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ही बदल गया तो ही के अकॉर्डिंग वुड आना है। तो यहाँ सी फॉर कैट एक राइट आंसर है, यहाँ पर सी फॉर कैट दोस्तों एक राइट आंसर है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 75, अब देखिए नोबडी केम टू द पार्टी। पहली बात तो ध्यान रखना अगर एक वर्ब है ना, तो उसका नेगेटिव बना दीजिए, डिड नॉट, बट नॉट लगाने से पहले ये देख लो कि कहीं ये तो नेगेटिव नहीं है, ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, तब आपको डिड नॉट नहीं खाली डिड लेना पड़ेगा क्योंकि आपके पास ऑलरेडी नेगेटिव है। ये पूरा सेंटेंस एज अ नेगेटिव ट्रीट हो रहा है, तो आपका जो क्वेश्चन टैग है वो पॉजिटिव बनेगा, हाँ लेकिन बनेगा डिड पे। अब डिड आ गया ठीक है, और नोबडी के लिए गाइस एक स्पेशल सब्जेक्ट होते हैं, वो होते हैं दे, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एनीवन, इन सब के लिए जो आते हैं वो आते हैं दे। तो यहां पर आंसर क्या बनेगा, डिड दे, वैसे तो चारों में ही दे है तो आपको सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं देना था, बस इसका नेगेटिव बनाना था और ये देखना था कि ऑलरेडी नेगेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, डिड दे, राइट, हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, डिड दे। चलिए आई नीड नॉट गेट अप अर्ली। अब देखिए यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, जब आपके पास हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हो तो ध्यान रखना आपका हेल्पिंग वर्ब पे क्वेश्चन टैग बनता है। जैसे अगर मैं बोलू ही इज कमिंग, ही इज कमिंग, तो आपका क्वेश्चन टैग जो है वो इज पे बनेगा, क्या बन जाएगा, इजंट ही, राइट, आपका कमिंग से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर नीड नॉट गेट अप है तो यहाँ पे नीड नॉट पे बनेगा। अब नीड नॉट नेगेटिव है तो मैं फिलहाल इसको एक ही वे में बना सकता हूं, नीड आई, आई नीड नॉट गेट अप अर्ली को हम क्या बना सकते हैं गाइज, नीड आई, डू आई नहीं बनाएंगे क्योंकि यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, तो यहां पर आंसर आएगा ए फॉर एप्पल, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए, वेल एज एन एडवर्ब, देखो वेल एज एन एडवर्ब का अगर मैं देखूं यहाँ पे तो सीधी सी बात है, यहाँ पे देखो इसको हम बाद में पूरे को बाद में समझ लेंगे, ये तो इंटरजेक्शन हो गई, ठीक है ना, अगर मैं लू तो ये इंटरजेक्शन हो गई, यहाँ पर वेल जो है एक नाउन की तरह आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये जो है हमारा ये बिगन की बात कर रहा है, बिगन मेरा वर्ब है तो वर्ब की बात करने वाला क्या होगा, एडवर्ब होगा, मेरा यहाँ पर जो है गाइस ये मेरा एडवर्ब की तरह आ रहा है, वेल बिगन इज हाफ डन, ओके, तो वेल बिगन जो है वो हमारा जो है वो एक एडवर्ब की तरह आ रहा है, ये ध्यान रख। चलिए 78, वी वर वॉचिंग, अब देखिए यहां पर आ रहा है न्यूज, न्यूज जो है गाइज वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, अभी आप थोड़ा सा अवॉइड करिएगा जब आप इसको बोले आ न्यूज, है ना, आ न्यूज नहीं होता गाइज, आई एम वॉचिंग न्यूज, ठीक है, आप एक न्यूज नहीं देख रहे, आप न्यूज देख रहे, तो यहां पर न्यूज एक अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल के साथ नो आर्टिकल, अनकाउंटेबल के साथ क्या होता है दोस्तों, नो आर्टिकल, तो ये डी फॉर डेली हमारा राइट आंसर आएगा, ये ध्यान रख। चलिए डिपथोंग्स, अब देखिए मैं काफी बार अपने वीडियोस में भी बता चुका हूँ, टोटल साउंड हमारे पास क्या होते हैं गाइस, टोटल साउंड जो होते हैं वो 44 होते हैं, जिसमें से अगर आप वाउल के साउंड को लोगे तो वो 20 हो जाते हैं, कॉन्सोनेंट के साउंड को लोगे है ना तो वो आपके 24 हो जाते हैं, वाउल को फर्दर डिवाइड करोगे तो वो मोनोफथोंग बन जाएगा जो कि 12 होते हैं, और वो डिपथोंग बन जाएगा जो कि हमारे पास अगर बोलूं तो 8 होते हैं, राइट,
और डिपथोंग में क्योंकि ये डाई वर्ड है तो डाई का मतलब ही टू होता है और थोंग का मतलब ही साउंड होता है, तो इसका मतलब, और ये है कौन से, वाउल के साउंड, तो यानी सीधी बात है दो वाउल के साउंड। डिपथोंग का मतलब क्या हो गया, दो वाउल के साउंड। और गाइस डिपथोंग क्या होता है ना, जब बोलते हैं तो एक वाउल दूसरे वाउल पे ग्लाइड करता है, जैसे यहाँ पर वाउ देखो, जैसे काउ है, तो काउ जब आप बोलोगे तो क्या बोलोगे, का, एक तो बोलोगे आ और ऊ, है ना, काउ। एक जैसे अगर मैं और लूं डीअर, तो देखिए इसमें क्या आएगा, ई और अ, तो यहाँ पर दो वाउल एक दूसरे पर ग्लाइड कर रहे हैं, तो इसलिए इसको ग्लाइडिंग वाउल के नाम से भी हम जानते हैं। चले गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 क्वेश्चंस की हम वीडियो रखेंगे एंड विल ट्राई टू कीप इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल, ना विल नॉट इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वीडियो, और इसमें हम कोई भी इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करने के अलावा। चलिए सोनेट जो है गाइस, सीधी सी बात है, सोनेट हमारी बहुत फेमस है, शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखी है, मिल्टन जी ने भी बहुत सोनेट लिखी है, तो अगर मैं बोलूँ सोनेट जो है 154 लिखी, सोनेट को हम डिवाइड करेंगे 14 लाइंस की पोम में, ठीक है, जिसके अंदर अगर पहला 8 लाइन देखो तो वो ऑक्टेव होता है, फर्स्ट 8 लाइन, ठीक है, फर्स्ट 8 लाइन ऑक्टेव होता है, और जो 6 लाइन होती है वो सेस्टेट होता है ना, जो 6 लाइंस होती हैं वो सेस्टेट होती है, तो 8 लाइन और 6 लाइन में डिवाइड होती है सोनेट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, और 14 लाइन की ये पोम होती है, तो इसको हम बोल सकते हैं सोनेट इज अ पोम 14 लाइंस। ओके सो गाइस दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो, आई प्रॉमिस यू नाउ यू विल नॉट सी एनी काइंड ऑफ डिले फ्रॉम माय साइड इन माय वीडियो, मेक श्योर यू स्प्रेड दिस चैनल टू अदर फ्रेंड्स एज वेल एंड टू एवरीवन, दिस आई एम गोइंग टू रिग्रेसली फॉलो दिस चैनल नाउ, ओके, दिस इज नॉट गोइंग टू बी नाउ द डोरमेंट वन, यू विल सी सो मेनी वीडियो, फ्लड ऑफ वीडियोस विल बी यू नो uploaded on this, okay, so if you follow this channel, this will also help you in the UP exams that are coming, this will also help you to grab the overall sense of the language, isme main in questions ke alawa bhi bahut kuch upload karunga which will be helpful to improve english language, okay, so yahan pe english improvement ke liye bhi will be working a lot, okay, chaliye thank you so much for giving your time, bye bye guys.